क्या 10-20 रुपए का सामान बेच रही है? ये देख, इतने सारे पैसे, तू इतने में हैरान हो गई? ये तो मेरे आधे दिन की कमाई है। पर सुनील भाई, आपके पास इतने सारे पैसे आए कहाँ से? मैंने ना एक नया धंधा शुरू किया है, ये बेचने का। सुनील भाई, ये धीरे बोल, अपने मोहल्ले कोई सुन लेगा। भाई ये तो रख दे। और क्या, अब एक पुड़िया में ना मेरा हफ्ते भर का खर्चा निकल जाता है। पर पैसे कमाने के तो और भी रास्ते, ये सब क्यों करना? तो क्या करूं, ये तेरी तरह ठेला लगा लूं? मुझे एक बार में ना ज्यादा पैसा कमाना है, 100-200 से मेरा कुछ नहीं होने वाला। पर सुनील भाई, इस काम में बहुत खतरा है। यार बहुत अच्छे से पता है कितना खतरा है कितना नहीं। ठीक है, मुझे मत सिखा, अपना काम कर। मैं छोटू, मैं तेरे को कह रहा हूँ ना, बहुत प्रॉफिट है इस काम में। हाँ सुनील भाई, बात तो आप सही कह रहे हो। तो मुझे वैसे पाउडर की डिलीवरी करनी है ना। हाँ, और इसका मैं महीने का तुझे 20,000 रुपये दूंगा, ठीक है? हाँ हाँ सुनील भैया, एकदम सही है, आप फिक्र मत करो, मैं देख लूँगा। ठीक है चल, कोई काम होता है तो बताता हूँ। ठीक है भैया। भैया अभी तक आप अकेले सारा काम कर रहे थे, अब आपने इसमें अपने छोटे भाई राहुल को भी शामिल कर लिया। क्या गलत कर रहा हूँ है? भैया राहुल अभी बहुत छोटा है, उसकी पढ़ने लिखने की उम्र है, अगर ऐसे में वो ये सब बेचेगा तो उस पर क्या असर पड़ेगा? क्या उखाड़ लेगा वो पढ़ाई लिखाई करके? वो इस काम में इतना कमा लेगा ना जितना तू साल भर में नहीं कमाती, समझी? भाई ये आप बहुत गलत कर रहे हो, एक दिन ये सब बहुत भारी पड़ेगा। हाँ हाँ देख लेंगे, जब जेब में पैसा होता है ना सब लाइन पे आ जाते हैं। फिर भैया ना, अबे ओए, तेरे को छोटी बहन मानता हूँ इसलिए कुछ कहता नहीं हूँ। मेरे काम में आज के बाद दखलंदाजी की ना तो देख लियो, अपना काम कर चल। कमल आए ऐसे? वाह कहाँ जा रहा है इतनी जल्दी? मैं कौन है भी तू? इस एरिया का नया पुलिस इंस्पेक्टर, समझा? मुझे पता चला कि आजकल तू यहाँ पे ड्रग्स की डीलिंग कर रहा है। अरे नहीं नहीं साहब, आपको कोई गलत फहमी हुई है, मेरे को यहाँ पे भेजा गया है, मुझे कुछ भी नहीं पता साहब। मुझे जाने दीजिए साहब। तुझे क्या पता और क्या नहीं, ये तो मैं तुझसे 2 मिनट निकलवा लूंगा, चल थाने। नहीं साहब, आप मेरा यकीन तो कीजिए, मुझे कुछ भी नहीं पता साहब, आप मुझे जाने दीजिए प्लीज साहब। अरे चल थाने। अरे साहब, कुछ भी हो जाए दरवाजा मत खोलियो प्लीज। क्यों, क्या हो गया और आप इतने घबराए हुए क्यों? मेरे पीछे पुलिस पड़ी हुई है। पुलिस आपके पीछे क्यों पड़ी है? पुलिस को मेरे सारे धंधे के बारे में पता चल गया है, वो मेरे पीछे पड़ी हुई है। मैंने आपको पहले भी कहा था कि आप ये सब जो कर रहे हो ये एक दिन आपको बहुत बड़ी मुसीबत में फंसा देगा। यार वो सब मैं ठीक कर दूंगा, उसकी टेंशन नहीं है, बस मुझे कुछ दिन के लिए यहाँ पे छुपा ले, मामला शांत हो जाएगा फिर। नहीं नहीं भाई, मैं आपको यहाँ नहीं रुकने दे सकती। प्लीज यार ऐसा मत कर, मैं जेल नहीं जाना चाहता, बस कुछ दिन की बात है, मैं तुझसे वादा करता हूँ सब ठीक कर दूंगा। अब क्या ठीक कर दोगे, आपको पता भी है आपके इन सब चीजों की वजह से आपने न जाने कितने लोगों की जिंदगी बर्बाद की है, आपको तो बस अपने पैसों की पड़ी थी। हाँ तो पैसा कमाना कौन सी गलत चीज है यार, और लोग खरीदते, मैं तभी तो बेचता हूँ ना, और हमारे पास और क्या जरिया है पैसा कमाने का? भाई जरिए तो बहुत है, बस आपने वो चुना जो आपको सबसे ज्यादा आसान लगा और आज उसी वजह से आप इस हाल में हो। भाई ईमानदारी के पैसे भले थोड़े कम होते हैं लेकिन वो पैसे अपने होते हैं। तो अब क्या करें?
भाई आप कब तक पुलिस से ऐसे छुप छुप के भागते रहोगे? सही तो यही होगा ना कि खुद को पुलिस के हवाले कर दो। तो सही कह रही है यार, ईमानदारी की रोटी कमाता ना तो आज इस हालात में नहीं होता मैं। अब जो गलती की है उसकी सजा तो भुगतनी पड़ेगी ना भाई। हाँ मैं, और मैं तुझसे वादा करता हूँ वापिस आने के बाद मैं सिर्फ ईमानदारी से कमाऊंगा। अगर आप अपनी लाइफ में किसी भी तरह की प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं और उसको आप किसी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो हमने एक वेबसाइट बनाई है जिसका नाम है nijo.plus। इसका फेसबुक ग्रुप चैट के लिए अवेलेबल है और कॉलिंग के लिए आप हमारी वेबसाइट पे आ सकते हैं जिसका डिस्क्रिप्शन और डिटेल्स हमने अपने कॉमेंट सेक्शन में डाला है। तो नाम है nijo.plus।